कंगना दीदी ने जब ये डायलॉग बोला होगा फिल्म में कि अभी तो हमें और जलील होना बाकी है, तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि सच में उनको रोज रोज जलील होना पड़ेगा और उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी और खुद मोदी जी उनको जलील करने का काम करेंगे। कल कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला है और काफी मस्त सीन था अपने आप में। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। कंगना ना दे अनर्गल और हर मुद्दे पर बयान, कांग्रेस ने नहीं बोला है, शिवसेना के किसी नेता ने नहीं बोला है, बीजेपी ने बोला है। ऐसा लग रहा है मोदी जी ने खुद बैठकर ये ईमेल टाइप किया होगा और यहां पर कंगना रनौत को जलील करा होगा। मतलब सो सैटिस्फाइंग मोमेंट। कंगना रनौत यहां पर कोशिश कर रही थी स्मृति ईरानी बनने की, लेकिन स्मृति ईरानी बनने से पहले ही बीजेपी ने उनकी हवा निकाल करके रख दिया। सोचो कंगना रनौत कितनी बड़ी फेलियर होंगी जो स्मृति ईरानी बनने में फेल हो रही है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फेलियर थी। लेकिन इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, ये बात जो है ईमेल पर लिखी जा सकती थी, व्हाट्सएप मैसेज पर लिखी जा सकती थी, कंगना रनौत को कॉल किया जा सकता था, लेकिन नहीं, पब्लिकली झंडू बाम किया गया है एक लेटर लिखकर और उसको सार्वजनिक करके सबके सामने। आपकी स्क्रीन पर ये लेटर है और इस लेटर के चक्कर में काफी घमासान इस टाइम पर मच रहा है। बीजेपी और मोदी जी के अपने भक्त जो है वो मोदी जी को जलील कर रहे हैं इस लेटर के चक्कर में। लेकिन पहले लेटर देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। मतलब यार इतनी तगड़ी बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई भी भविष्य में बयान ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विरोध बेकार की बातें जो कि ये लोग ऑलरेडी बोलते रहते हैं। अब चलो कंगना रनौत को ये बात डायरेक्ट करेगी कि ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी। और कंगना रनौत ओवर स्मार्ट अपने आप को बन रही थी, ये उन्होंने सोचा नहीं कि भैया हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, वैसे ही हर जगह पे यहां पर पनौती लगी हुई है, अगर ऐसी बातें करूंगी तो हरियाणा में डब्बा गोल हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें फोन पर करी जा सकती थी, पब्लिकली इन सब बातों को करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को, हरियाणा के वोटर्स को ये दिखाया जा सके कि देखो हम इस तरीके के बयानों के साथ नहीं है, हम तो किसानों के साथ हैं। अब किसानों के साथ कितना है ये लोग, ये अच्छे तरीके से आप और मैं जानते हैं क्या क्या बयान आए थे इन लोगों के टीवी पे। अब इस लेटर के चक्कर में मोदी जी के भक्त उनको जलील कर रहे हैं। अजीत भारती अपने स्क्रीन पर देख लो, इसने इस लेटर को स्क्रीनशॉट करके डाला और लिखा है कि क्या किसान आंदोलन में ये सब चीजें नहीं हुई, तो फिर कंगना रनौत ने ऐसा क्या बोल दिया जो पार्टी डिफेंड नहीं कर पा रही है। मतलब कंगना रनौत की जो इंपॉर्टेंस है वो मोदी जी से ज्यादा हो चुकी है इस टाइम पर, 240 का कमाल। उसके अलावा द जयपुर डायलॉग्स है, इसको भी देखो अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। व्हाटएवर कंगना सेड वाज एब्सोल्युटली राइट एंड जस्ट, दिस स्टेटमेंट बाय बीजेपी रिडिक्यूलिंग कंगना इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, वी स्टैंड विद कंगना। मतलब वी स्टैंड विद मोदी से वी स्टैंड विद कंगना निकल कर आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अगले इलेक्शन में कहीं कंगना रनौत मोदी जी को यहां पर रिप्लेस ना कर दे। अब जहां पर कंगना रनौत एक तरफ जलील हो रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, इनके अपने मोदी जी भी काफी जलील हो रहे हैं और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। डंका बज रहा है, डंका काफी तगड़ा भी। रिसेंटली मोदी जी यूक्रेन गए थे, कीव गए थे, और वहां पर एक नैरेटिव चला कि अब मोदी जी के आने से यहां पर वॉर रुकवा दी है पापा ने और बॉम्बिंग रुक चुकी है, ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना ढिमकाना। कल ही पनौती लग गई। मतलब मोदी जी जाना जरूरी था क्या? रशिया लॉन्चेस एयर स्ट्राइक ऑन कीव, मल्टीपल एक्सप्लोजन इन कीव एज रशिया लॉन्चेस ड्रोन्स मिसाइल्स इन मैसिव एयर अटैक। मतलब जब तक मोदी जी नहीं गए थे तो छोटी मोटी चीजें हो रही थी, अब यहां पर एयर अटैक हो चुका है सीधा का सीधा। थैंक यू मोदी जी। इस अटैक के बाद ये तो नहीं बोला जा सकता कि वॉर रुकवा दी पापा, लेकिन ये जरूर बोला जा सकता है कि वॉर करवा दी पापा। और आपको दिखाना चाहता हूं इनके दो रुपल्ली वाले जो ट्रोल्स हैं किस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे थे जब मोदी जी यूक्रेन में थे। मिट्टर सिन्हा ने लिखा था, पीएम मोदी हैज रीच यूक्रेन, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स देयर हैव बीन नो फ्रेश बॉम्ब ब्लास्ट firing or other attacks from the Russia side in past 36 hours. Oh bhai, shanti se zara baith ja ek jagah. Modi ji ne war rukwa di. Dekh liya tere Modi ji ne kitni war rukwa di hai. Aur agar is news se aapko lag raha hai ki Modi ji ki panautiyan yahi par khatam ho jati hai to aap puri tarike se galat hai, kyunki abhi panautiyan sirf shuru hui hain. Ab jahan par international panautiyan lag rahi hain wo to theek hai, lekin apni party ke andar bahut tagdi panautiyan lag rahi hain. Maharashtra mein election hai, Jammu Kashmir mein election hai aur uske sath Haryana mein bhi election hone wala hai. In teenon jagah pe Bharatiya Janata Party ke haarne ke pure pure aasaar hain, kyunki inke apne लोग ही इनको हारने पे उतारू हो चुके हैं और आपको भी दिखाना चाहूंगा कैसे। लेकिन वो बताने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। देखो रोज हम लोग देश विदेश की बातें करते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके बारे में हम बात नहीं करते और वो है आपकी इनकम। जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों की सैलरीज जो है उसका ज्यादातर पार्ट जो है अपने घर के खर्चों में निकल जाता होगा, जैसे कि रेंट पे करने में, गैस का सिलेंडर, राशन वगैरह वगैरह, इन सब चीजों में लोगों की सैलरी निकल जाती है। ऐसे में बहुत जरूरी है आज की डेट में कि आपके पास एक साइड इनकम भी हो, और इसीलिए आज मैं बात करना चाहता हूं पॉकेट ब्रोकर के बारे में, जहां पर आप करेंसी
पेयर्स में ट्रेड करके एक साइड इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। बहुत इजी है ये। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिग्नल, सोशल ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स टाइप के बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पर सोशल ट्रेडिंग का टूल है। बस आप यहाँ से कोई भी एक टॉप ट्रेडर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी ट्रेड्स को कॉपी करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना, बहुत बढ़िया फीचर। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लो मेरा कूपन कोड यूज करके जो कि है Porush100। फिर डिपॉजिट करने के बाद सोशल ट्रेडिंग ऑप्शन पर जाओ और वहां पर जो भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर लगे उसकी ट्रेड को आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पिंट कॉमेंट में पॉकेट ब्रोकर का लिंक दे दिया। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कूपन कोड है Porush100, इसको यूज करके आपको 100% बोनस भी मिलेगा अपने डिपॉजिट के ऊपर, तो तुरंत जाओ डाउनलोड करो। कमिंग बैक टू द वीडियो, 3-4 स्टेट्स में चुनाव होने वाले और वहां पर हार सुनिश्चित हो चुकी है। मोदी जी के अपने ही बंदे करवा देंगे। अपनी स्क्रीन्स पर इस न्यूज़ को देखो। बीजेपी ने एक यहां पर लिस्ट जारी करी थी जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के लिए। 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, लेकिन 1.5 घंटे में इस लिस्ट को वापस ले लिया गया क्योंकि अपने ही पार्टी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना भी चाहता हूं, बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं इन्होंने बकायदा विरोध में एक प्रोटेस्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के लोग। आपको याद दिलाना चाहता हूं, सेम तरीके की चीजें बंगाल के इलेक्शंस के टाइम पर भी हुई थी। जैसे ही टिकट्स का डिक्लेरेशन हुआ था लोगों ने बीजेपी के ऑफिस में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट क्या आए थे आपको अच्छे तरीके से याद है, और यहां पर भी सेम चीज देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आगे चल के आपको दिखाना चाहता हूं, महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाला है और रिसेंटली मोदी जी वहां पर गए भी थे। मोदी जी की वहां पर क्या हालत हो चुकी है ये मोदी जी के अपने ही रोड शो से समझ में आ रहा है। अपनी स्क्रीन पर देखिए ये वीडियो चल रहा होगा जहां पर मोदी जी एक रोड शो कर रहे हैं और अपने वेन्यू पे पहुंच रहे हैं। लखपति दीदी का पूरा प्रोग्राम था, लेकिन इस गाड़ी को जरा ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहले गाड़ियों के ऊपर मोदी जी के 2-3 फोटो 2-3 कटआउट्स होते थे, लेकिन यहां पर मोदी जी का एक भी कटआउट नहीं लगा हुआ है। भीड़ तो यहां पर भाड़े की काफी सारी इकट्ठी कर ली गई है, लेकिन गाड़ी के ऊपर मोदी जी का फोटो नहीं है, विच क्लियरली शोज कि मोदी जी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा कम हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के अगर लोकल से बात करी जाए तो वहां पर साफ साफ लोग ये कहते हैं कि मोदी से नाराजगी है वहां पर। तो भाई हरियाणा में तो कंगना दीदी नंबर लगवाई चुकी है हार का, दूसरी तरफ कश्मीर में भी साफ साफ नजर आ रहा है कि हार हो सकती है, और महाराष्ट्र में तो मोदी जी को कोई पूछ नहीं रहा। अपने पार्टी के लोग यहां पर अपनी फोटो हटा चुके हैं मोदी जी की। तो ऐसे में पार्टी के अंदर खानों में क्या ही चल रहा होगा आपको अच्छे से समझ आई जाएगी। तो महाराष्ट्र के रिजल्ट भी हमारे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जहां पर ये तो स्टेट्स की बात है, लेकिन मोदी जी की अपनी सरकार में भी इस टाइम पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बार बार यहां पर राहुल गांधी और विपक्ष जो है कास्ट सेंसस के बारे में बात करते हैं और उसके बाद बीजेपी की तरफ से बात निकल कर आती है कि देखो ये तो देश को जाति में बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी का जो अपना अलायंस है, अपनी सरकार के जो मंत्री हैं, वो भी विपक्ष की भाषा बोलना शुरू कर चुके हैं। आपको दिखाना चाहता हूं, चिराग पासवान आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कास्ट सेंसस के इन्होंने पक्ष में बात बोली और ये कहा है कि इनकी पार्टी कास्ट सेंसस के पूरी तरीके से पक्ष में है। मोदी जी पहले अपने मंत्रियों को संभाल लो जरा। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी कल भी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, इस पे गृहमंत्री का जो है आया। आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, होनी चाहिए जो अभी होना है जनगणना उसके साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जाए। मेरे हिसाब से जो बात चिराग पासवान बोल रहे हो पूरी तरीके से सही है, लेकिन मोदी जी उनका क्या, जब उन्होंने ये वीडियो देखी होगी ना तो पूरी तरीके से लाल पीले पड़ गए होंगे। अब जहां पर चिराग पासवान की पार्टी मोदी जी के कितने साथ में खड़ी है ये समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो भी मोदी जी के कितने साथ में खड़ी है ये भी दिखाई दे रहा है। केसी त्यागी जो कि जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनका एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं। केंद्र सरकार से निवेदन है कि वे इसराइल को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दे। इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर हो रहा अत्याचार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। साफ साफ यहां पर जेडीयू जो है पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ये देखकर भक्तों के पिछवाड़े पर भूत झुलकियां छिड़क गई होगी। एंड मेरे हिसाब से जेडीयू यहां पर कोई भी गलत बात नहीं बोल रहे। किस तरीके से इसराइल ने यहां पर गाजा के ऊपर आतंक मचाया हुआ था काफी दिनों से, ऐसे में अगर इंडिया यहां पर इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है तो ये बहुत ही हिपोक्रेसी वाली बात है। एक तरफ तो इंडिया कह रहा है
कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, पैलेस्टीनियन कॉज के साथ हैं, दूसरी तरफ इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है जो कि पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं। भाई डिसाइड कर लो क्या करना है, डिसाइड कर लो। इसी साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक और मजेदार आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी को अक्सर ये कहा जाता है कि मोदी जी जिससे भी हाथ मिलाते हैं, जिससे भी गले मिलते हैं, वो बंदा जो है उसकी पनौती लग जाती है पूरी तरीके से, और ऐसा हमने काफी बार देखा भी है। आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, कीर्ति आजाद है, इन्होंने ट्वीट करके डाला, मोदी जी हसीना के साथ, मोदी जी ट्रंप के साथ, मोदी जी सुनक के साथ, उसके बाद मोदी जी ब्राजील वाले भैया के साथ भी आपको नजर में आ रहे हैं, और ये सब निबट गए। ये बात एक्चुअली में सच है, लेकिन इसको कोट ट्वीट करके वेस्ट बंगाल बीजेपी वो मोदी जी को ट्रोल करने पे तुले हुए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखो, हुज नेक्स्ट सीम्स लाइक वी नो द आंसर, मोदी जी ममता बैनर्जी के साथ खड़े हैं। अरे मोदी जी को इस ट्वीट में पनौती बुलाया जा रहा था, और यहाँ पर बीजेपी वेस्ट बंगाल भी मोदी जी को पनौती बुला रही है इस ट्वीट को करके। मतलब अपने ही नेता को कैसे ट्रीट करना है, कोई सीखे इनसे, सीखे सीखे। खैर अब बंगाल की बात हो ही चुकी है, तो रिसेंटली बंगाल के ऊपर बड़ा हल्ला मच रहा था, अब पता नहीं कहां सारे के सारे गायब हो गए। इसके बीच में एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, और वो था विवेक रंजन अग्निहोत्री का वीडियो। इसने एक प्रोटेस्ट निकाला कोलकाता के विक्टिम के पक्ष में उनके जस्टिस की मांग के लिए, और उस प्रोटेस्ट में भाई साहब यहाँ पर हंसी ठट्टे चल रहे थे। अपने स्क्रीन पर देखो जरा, हाँ हाँ भैया बहुत हंसने की बात है, तालियां बजाओ, बहुत हंसो, ठट्टे मारो, यहाँ पर मोदी जी का स्टैंड अप कॉमेडियन शो चल रहा है। इस एक प्रोटेस्ट से आपको समझ में आएगा कि बीजेपी कितनी ज्यादा सीरियस थी यहाँ पर महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इनफैक्ट मोदी जी ने ऐसे में एक यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो पूरी तरीके से अनफॉरगिवेबल होना चाहिए। पीएम मोदी अशोर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इन ऑल सच केसेस। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह, नहीं नहीं भैया उसने गलती करी कहा है, वो तो लाजू बच्चा है। इनफैक्ट आपको एक और भी दिखाना चाहता हूँ, ये लोग कितने सीरियस थे कोलकाता के इस पूरे मैटर के बारे में। रिसेंटली एक वीडियो काफी वायरल हुई जहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था आरजी कर मेडिकल कॉलेज के लिए, और आपकी स्क्रीन पर उस प्रोटेस्ट की एक वीडियो है जो कि इस टाइम पर काफी वायरल हो रही है। इस पूरे प्रोटेस्ट में यहां पर गाना चल रहा था, एक लड़की को डांस करवाया जा रहा था, मुझे नहीं पता कि कौन लड़की है, कौन डांस कर रही है, लेकिन यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। और सोशल मीडिया पे जो बातचीत चल रही है उसके हिसाब से ये प्रोटेस्ट भी भारतीय जनता पार्टी का ही अरेंज कराया हुआ प्रोटेस्ट था, या फिर उनके समर्थकों का। जस्टिस की मांग चल रही है एक लड़की को स्टेज पे नचा करके, और फिर ये लोग कहते हैं कि ये लोग महिला सुरक्षा के बारे में सीरियस हैं। यार इनकी ये महिला सुरक्षा की बातें सुन के ना मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है साथ में। इसी साथ जाते जाते लास्ट चीज आपको दिखाना चाहूंगा, मोदी जी के विकास की काफी चर्चा हो रही है। मोदी जी ने रिसेंटली एक स्टैचू को यहां पर इनॉग्रेट किया था, और एक साल के अंदर वो स्टैचू जो है तूफान से नीचे गिर चुकी है। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। मोदी जी ने स्वयं इनॉग्रेट किया था यहाँ पर रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दबा कर, लेकिन ये कल आंधी से स्टैचू गिर गया है और स्टैचू पूरी तरीके से इस टाइम पर टूट भी चुका है। ये है मोदी जी का विकास, ये बनाएंगे महाराष्ट्र में सरकार भैया। अब आपका इस वीडियो के ऊपर क्या रिएक्शन है, इसके अलावा आपका कंगना दीदी के ऊपर क्या रिएक्शन है, उनकी मूर्खता के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, अपनी भड़ास नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर निकालना। और हाँ जाते जाते फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको पॉकेट ब्रोकर ऐप डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।